हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की, जो कि निकली है, निकाली गई प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डेप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड सीनियर क्लर्क के लिए। तो बात करते हैं, ये जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस है निकाला कहाँ से गया। तो ये जो नोटिस है निकला है गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से, क्योंकि तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डेप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और सीनियर क्लर्क के लिए जो है एप्लीकेशन को इन्वाइट किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे जो एप्लीकेशन है इसका जो बात के लास्ट डेट की सबमिट करने की, तो वो 8 जनवरी 2021 अप टू 5 PM, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फी की, तो अगर आप जो है 500 रुपीज आपको पे करना है अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। वही अगर आप बात करें, आप अगर EWS, S या EBC या SC ST या PD कैटेगरी के हैं, तो आपको यहाँ पे जो है 250 रुपीज जो है वो यहाँ पे करना है। तो चलिए हम देख ले कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें। तो देखिए, यहाँ पे GTU स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं जो नेम ऑफ पोस्ट है प्रोफेसर बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, टोटल पोस्ट मेंशन कर रखा है। साथ ही साथ ये भी मेंशन कर रखा है कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी कितनी पोस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोफेसर बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग 1 पोस्ट है और ये जो 1 पोस्ट है ये जनरल कैटेगरी में है। ऐसे देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी यहाँ निकाली गई है, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सीनियर क्लर्क के लिए। तो ये इसके लिए भी यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे सीट जो है वो मेंशन की रखी है। अब बात करें अगर और इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो देखिए यहाँ पे जो अप्रूव्ड पोस्ट हम प्लेस किए थे, इट इज लाइक दे आर सब्जेक्ट टू चेंज एज में बी डायरेक्टेड बाई गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, ठीक है। और हम देख ले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें सीनियर क्लर्क की अपॉइंटमेंट के लिए, तो यहाँ पे देखिए अगर आप सीनियर क्लर्क के लिए अपॉइंट होते तो यहाँ पे आपको जो है 90,950 रुपीज पर मंथ जो है एज पर स्टेट गवर्नमेंट जो है आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। अब बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की और एक्सपीरियंस की, तो देखिए अगर आप प्रोफेसर बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका PhD डिग्री होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में एंड फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट आइदर बैचलर और मास्टर लेवल इन द रिलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट ब्रांच और इक्विवेलेंट ब्रांच में। साथ ही मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 6 रिसर्च पब्लिकेशन आपकी होनी चाहिए और 10 रिसर्च पब्लिकेशन एट द लेवल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर इन साइंस जनरल, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, बात करें पे बैंड की, तो पे बैंड यहाँ पे 37,400 to 67,000 और ग्रेड पे की बात करें तो वह 10,000, ठीक है। ऐसे ही देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी इन्होंने प्रोसेस को निकाला और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। वही बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें या बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की बात करें, तो आपका यहाँ BE BTEC होना चाहिए लेवल सब्जेक्ट में और आपको जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज भी होनी चाहिए। पे बैंड यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का है 15,600 to 39,100 और ग्रेड पे यहाँ पर रहेगा 6,000। ऐसे देखिए डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए भी यहाँ पे जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ दे रखा है, तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ और इक्विवेलेंट ग्रेड इन द UGC 7 पॉइंट स्केल। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। अब बात करें रिलैक्सेशन की, तो अगर आप जो है लाइक 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा फॉर SC ST SC BC और PD कैटेगरी के लिए, वही जनरल के लिए कोई भी रिलैक्सेशन यहाँ मेंशन नहीं है। साथ ही अगर देखिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन दे रखा है और साथ ही साथ एज और पे बैंड भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। अब देखिए रिलैक्सेशन तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि अगर आप जो है SC BC SC ST एंड EWS मेल कैटेगरी डेट है गुजरात ओरिजिन की, तो आपको आपको 5 ईयर्स का जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप वुमेन है अनरिजर्व कैटेगरी के, तो 5 ईयर्स का मिलेगा। वुमेन कैंडिडेट और रिजर्व कैटेगरी के 10 ईयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ऐसे करके जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे जो है कुछ ग्रेड पॉइंट दिए रखे और साथ ही साथ इन ग्रेड पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है आपका क्या इक्विवेलेंट परसेंटेज रहेगा। तो अगर आप इसमें फॉल करते हैं तो आप जो है ये देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ग्रेड पॉइंट 6.25 है तो आपकी जो इक्विवेलेंट परसेंटेज है 55 है। अगर आप 8.25 ग्रेड पॉइंट आपके पास है तो आपका इक्विवेलेंट परसेंटेज 75 है। तो इस सब चीज़ें जो है आप बहुत ही क्लियरली देखिएगा फॉर्म फिलअप करते हैं टाइम पे, ठीक है। कुछ मैं और आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ अगर यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर सेलेक्शन प्रोसेस है टीचिंग पोस्ट के लिए। तो देखिए फॉर अ पोस्ट ऑफ प्रोफेसर आफ्टर स्क्रूटनी एप्लीकेशन नंबर ऑफ कैंडिडेट अवेलेबल फॉर इंटरव्यू इज मोर देन प्रिस्क्राइब्ड नाउ देन द शॉर्ट लिस्टिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ हायर एक्सपीरियंस, जो कि मैं ऑलरेडी जो है मैंने आपको बता दिया। द फाइनल सिलेक्शन विल मेड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस शोन इन द इंटरव्यू बाय द कैंडिडेट द मार्क ऑफ इंटरव्यू इज हैंडेड। तो देखिए यहाँ पे जो इन्होंने फेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जाम रखा है, तो इसमें देखिए पेपर 1 पेपर 2 है। पेपर 1 जो है वो जनरल स्टडीज है और पेपर 2 जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिलेटेड है। तो 100 मार्क्स का है आपका पेपर 1 और 200 मार्क्स का पेपर 2, तो टोटल मार्क्स है 300 है।
अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके एमसीक्यू टाइप होंगे और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग इन्होंने मेंशन कर रखी है। साथ ही इन्होंने पेपर वन पेपर टू का सिलेबस जो है वो भी एडवर्टाइजमेंट में अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ पे जाके जो है वो देख सकते हैं। अब आपको अगर नेक्स्ट फेज में जाना है या नेक्स्ट फेज में जाना है तो आपको यहाँ पे जो है 40% मार्क्स जो है वो ऑब्टेन करने पड़ेंगे फेज वन में, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं फेज वन कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ फेज टू क्लियर करना होगा। फेज टू जो है आपका पर्सनल इंटरव्यू रहेगा तो कि 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फेज वन फेज टू का जो मार्क्स है उसको जोड़कर जो है आपको यहाँ पे रैंक मिलेगी और आपका सिलेक्शन तभी होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पॉइंट जो है वो मैंने आपके मेंशन कर दी है, तो अगर आपको किसी भी या कोई भी डाउट है तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो देखिए ऐसे सिलेक्शन प्रोसेस डिप्टी रजिस्ट्रार का भी यहाँ मेंशन कर रखा है, साथ ही यहाँ पे टाइप ऑफ टेस्ट टॉपिक्स कवर्ड भी यहाँ पे मेंशन कर रखे, तो आप ये सब जो है एग्जाम से पहले जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैंने आपके डिस्कस कर लिए हैं, तो आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिना ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।